اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ست تقریب و احترام میرے عزیز دوستو، بزرگو، قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 110، اللہ تبارک و تعالی اس کے تعلق سے چند باتیں مجھ سے وہ حق کی باتیں کہلوا دے کہ جس سے کہ میرا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے. حالات بدتر سے بدتر، زندگی کے حالات ہوں چاہے دلوں کے حالات، بے انتہائی اور بے پناہ، جس کا واپس آنا، سیدھی راہ پر چلنا، گویا کہ آج کے دور میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شریعت پر چلنا یا اپنی زندگی کو قرآن کے احکامات کے ساتھ چلانا گویا ایسے ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک دور وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ میری شریعت پر، میری سنتوں پر عمل کرنا ایسا ہوگا کہ جیسا گویا اپنے ہاتھوں پر انگارہ رکھنا ہو. آج ہر شخص کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو قرآن کا داعی کہنے والا، اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کا پیکر کہنے والا،
अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने वाला, लेकिन अगर वो इन चंद आयात पर गौर करे, कुरान मुकद्दस को खोले कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितने गुस्से में और कितने जलाल में आकर इरशाद फरमाया, वलकद दरअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस, कि हमने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जिन्नात को, बहुत सारे इंसानों को इसलिए पैदा किया कि उनको हमें जहन्नम में डालना है। यानी कि दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, वकूद हन्नास वल हिजारा, वकूद कहते हैं उस चीज़ को जिससे आग सुलगाई जाती है, गोया के इससे पता चलता है कि जहन्नुम की आग सुलगाने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन्नातों की ज़रूरत पड़ेगी, वो पत्थरों से नहीं जलेगी, वो लकड़ियों से नहीं जलेगी, उसका ईंधन सिर्फ इंसान होगा और जिन्नात होगा। वकूद हन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, दूसरी जगह अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि ये अंधे बहरे और गूंगे लोग हैं कि जिनको कुरान मुकद्दस की आयात के बारे में बताया जाता है लेकिन इनकी आंखें फिर भी नहीं खुलती। अल्लाह का कुरान कहता है, वलकद दरअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस, हमने बहुत सारे लोगों को इसलिए पैदा किया क्योंकि हमें उनको जहन्नुम में डालना है। अल्लाह तबारक व तआला, आप उनको जहन्नुम में क्यों डालेंगे? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, लहुम दिमाग दिया, उनको जो ताकत दी, उनको जो बदन दिया, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, वो उस दिल से कुरान को नहीं सुनते, जब उनके सामने कुरान की आयात पढ़ी जाती है उनका दिल नहीं लगता, उनका दिल इधर उधर मुतग़य्यर रहता है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, जब उनके सामने अल्लाह के कुरान की बातें होती हैं उनके जहन इधर उधर मुंतशिर रहते हैं, वो अल्लाह के कुरान को सुनना ही नहीं चाहते। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, अल्लाह तबारक व ताला, जब हमने कलमा पढ़ लिया, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मान लिया, तो फिर अब क्या ज़रूरत है कुरान सुनने की? फरमाया, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, अगर तुम कुरान को सुनना छोड़ दोगे अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें दुनिया में जलील व ख़ार करके रख देगा। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, किसी का दिल गानों में लगता है, किसी का दिल कंजरियों के नाच में लगता है, किसी की रात नाच गाने में जाती है, किसी की रात टीवी के सामने गुजर जाती है, किसी का दिन गुजर जाता है अय्याशी में, मक्कारी में। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, लेकिन उनको कभी कुरान खोलने की नौबत तक नहीं आती, उन्हें ये भी नहीं पता चलता मेरे अल्लाह का कुरान में मेरे लिए क्या अहकाम है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, सारी सारी उम्र हो गई, कब्र में चले गए, अल्लाह की कसम ना जाने कितने लोगों ने दुनिया देखी लेकिन कुरान की शक्ल ना देखी। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, आयत को अगर पढ़ोगे कुरान करीम में अल्लाह की कसम दिल मुंह को आता है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, वलहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा, हमने इनको कान दिए कुरान सुनने के लिए, ये इन कानों से गाने सुनते हैं, कंजरियों की बातें सुनते हैं, चुगलियां करते हैं, ये ऐसी ऐसी जगह जाकर बैठते हैं जहां मेरे नबी का बुरा कहा जाता है, जहां मेरे दीन के ऊपर उंगली उठाई जाती है। इनके कानों में जब अल्लाह के कुरान की आवाज़ आती है इनका दिल नहीं पसीजता, इनकी आंखों से आंसू नहीं आते। अल्लाह ऐसा क्यों है? खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला समीहिम वाला अबसारिहिम गिशावा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते
سوچیں کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, غفلت میں ڈال دیا کہ اب یہ چاہ کر بھی قرآن سننا چاہے میں ان کو وہ لطف نہیں لینے دوں گا. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. میں نے ان کو آنکھیں دی کہ جس سے کہ یہ میرے قرآن کا دیدار کریں, جیسے میرے صحابہ اکرام نے قرآن کا دیدار کیا. صبح کو اٹھتے تھے قرآن ان کے سامنے ہوتا تھا, چلتے تھے تو قرآن ان کے سامنے رہتا تھا, باتیں کرتے تھے تو قرآن سے باتیں کرتے تھے, گویا وہ قرآن سے باتیں نہیں کرتے تھے, وہ مجھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. میں نے ان کو دل بھی دیا, یہ جس دل سے بیٹھتے ہیں, یہ جس دل سے قرآن کو سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ساری عمر تو گزر جائے گی لیکن ان کے دل میں قرآن کی کبھی عزت نہیں اترنے دوں گا. اللہ تبارک و تعالی یہ عذاب ہمارے اوپر کیوں بھیج رہے ہیں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جو میری قرآن سے غفلت کرے گا, جو میرے قرآن کو نہیں سنے گا, جو میرے قرآن کو دل میں نہیں بٹھائے گا, جو میرے قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں لائے گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. میں نے پیدا ہی اس لیے کیا, اگر یہ میرے نہ ہو سکیں گے تو میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اتنا تیز ہوتا ہے, اتنے غضب میں آتے ہیں آقا ملاکمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں, اگر یہ کسی انسان کے اندر پائی جائیں, اس کو سزا کیا ملے گی؟ اس کو آپ کیا کہہ کر پکارو گے؟ فرمایا اولائک کلنام, یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, یہ بدتمیز اتنے ہیں, یہ گدھوں سے بھی بدتر ہیں, یہ خچروں سے بھی بدتر ہیں, یہ کتوں سے بھی بدتر ہیں. اولائک کلنام, آیت کو دیکھ لینا, تمہارے گھر میں بھی قرآن ہوگا, نیٹ پہ بھی قرآن پڑا ہوا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. اللہ ہم تو پیر بھی رکھتے ہیں, اللہ ہم تو کھانے بھی رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ, تم چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں, جانوروں سے بھی بدتر ہو, کیونکہ جانوروں کو اللہ نے عبادت کے لیے مکلف نہیں بنایا, اللہ نے جانوروں کو اطاعت کے لیے مکلف نہیں بنایا, اللہ نے جانوروں کو قرآن کے لیے مکلف نہیں بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اوپر نمازیں فرض نہیں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں کی. اولائک کالانعام, اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور تیز ہوتا ہے, بلکہ فرمایا اولائک کالانعام بل هم اضل. یہ جانور ہی نہیں بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. جانور سے کام نہیں چلا, بلکہ فرمائے جانوروں سے بھی بدتر ہیں, جو میرے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے, میرے قرآن کو سننا نہیں چاہتے, میرے قرآن کو دیکھتے نہیں کہ میں نے ان کے لیے اس میں کیا کیا احکامات رکھے ہیں. ایک جماعت جس کی تربیت نبی اکرم آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, وہ جماعت وہ کیسی جماعت تھی کہ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا تھا, جنہوں نے اپنے چلنے پھرنے اوڑھنے بچھونے کا سارا معاملہ قرآن کو سمجھ رکھا تھا. آج ہم نے ساری زندگی, ساری عمر, سارا وقت دنیا کے تمام کاموں میں تو لگایا ہے, لیکن ہم نے کبھی قرآن کا ورقہ کھول کے نہیں دیکھا.
क्योंकि हमें तो सिर्फ रेडीमेड की आदत पड़ी हुई है कि इमाम साहब पढ़ा देंगे, इमाम साहब अब्बा के मरने पर कुरान पढ़ा देंगे, अब्बा की बख्शिश के लिए इमाम साहब दुआ करा देंगे। सुन लो उनके लिए है, वलकद ज़रअना लि जहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अय्युनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। ऐसे लोग जो कुरान पर कान नहीं धरते वो क्या है? जानवर हैं, बल्कि अल्लाह कहते हैं कि जानवरों से भी बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, अल्लाह ये कान क्यों नहीं धरते? अल्लाह फरमाते हैं कि इनके दिल बंद हैं, इनके कान बंद हैं, इनकी आंखें बंद हैं। अल्लाह से सवाल कीजिए, अल्लाह से पूछिए, अल्लाह तबारक व ताला हमारी तो आंखें भी हैं, अल्लाह हमारे तो कान भी हैं, अल्लाह हमारी तो ज़बान भी हैं, अल्लाह हमारा तो दिल भी है। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन। अबू जहल के भी कान थे, अबू लहब के भी कान थे, उसके भी दिल था, उसकी भी आंखें थी, उसके भी कान थे, लेकिन जब नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, उसने ना मानी। अल्लाह के रसूल को पत्थर मारे, अल्लाह के रसूल के ऊपर ओझड़ियाँ डाली। अल्लाह ने इसलिए फरमाया जो मेरी बातों को ना सुने, मेरी बातों पर ध्यान ना धरे, वो ऐसा है जैसे अंधा हो, ऐसा है जैसे उसके कान ही ना हो। उलाइका हुमुल गाफिलून, ऐसे लोगों को हमने गफलत में डाल रखा है और यही लोग हैं वो खसारे वाले। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, उलाइका हुमुल खासिरून, ये हमेशा खसारे में रहने वाले हैं। इनका ठिकाना हमने ऐसी जगह बना दिया कि जहाँ इनकी कोई खबरगिरी करने वाला ना होगा, जहाँ इनको कोई पूछने वाला ना होगा, जहाँ ये दुनिया कर रहे थे, यहाँ मता और माल के चक्कर में पड़े हुए थे। हम इनको एक दिन मज़ा चखाएंगे कि माल क्या है और दुनिया का मज़ा क्या है। कि जिस कुरान की बदौलत मुझे और आपको बैठना यहाँ नसीब हो रहा है, यही वो कुरान है जिसकी वजह से हमें सजदों के अंदर जो लुत्फ़ आता है, इसी कुरान की बदौलत हमें वो सजदों का लुत्फ़ मिला है, इसी कुरान की बदौलत हमें अल्लाह से बात करने के मौके मिले हैं। वरना तो हमारे पास कौन सा ज़रिया था कि हम अपने अहकमुल हकीमीन से बातें करते। लेकिन काश अगर ये दिल लगाया होता कुरान से तो बात समझ में आती, अगर पता होता कि अल्लाह के नाम में कितनी लज्जत है तो समझ में आता। जैसे हम कहते हैं कि टॉफ़ी खाता है बच्चा कितनी मीठी होती है, सबको पता है कि टॉफ़ी मीठी होती है, रसगुल्ले में मिठास है, हकीकत में हर आदमी जानता है कि रसगुल्ले में मिठास है, गन्ने में मिठास है, सेब में मिठास है, केले में मिठास है। कभी सोचा कि आपने केले में कभी चीनी डाली, ले जाकर केले के पेड़ में चीनी डाली, किसी ने गन्ने के खेत में गुड़ डाला, लेकिन ये मिठास देने वाला कौन है? जब वो मिठास देने वाला हर छः के अंदर ऐसी मिठास डाल सकता है तो उसके नाम में कितनी मिठास होगी, उसके नाम में कितनी मिठास होगी। लेकिन अगर उस मिठास का पता हो तभी तो पता चलेगा कि हाँ उसके नाम में भी मिठास है। हमने तो ये सीखा है कि मिठास सिर्फ इन सामानों में है, हमें तो पता है कि चीनी के अंदर मिठास है, रसगुल्ले के अंदर मिठास है, लेकिन अल्लाह की कसम इन तमाम चीज़ों से मीठा अगर कोई नाम है वो मेरे रब्बुल आलमीन का नाम है। बेतवज्जोही से मैं बहुत बेजार हूँ आप लोगों से। जो बेतवज्जोही करना चाहता है, जिसका मन यहाँ नहीं लगता, वो इस फ्लोर पे बिल्कुल ना बैठा करे। घड़ी की तरफ देखना, सोना, ऊँगना, इधर उधर देखना, ये यहाँ बैठ कर ना किया करें आप। आपको पूरी इजाज़त है कि आप ऊपर जाकर बैठ जाएं, किसी ने आपको खींच के तो नहीं बिठाया यहाँ पर। तवज्जो रखिए, तो ये कुरान वो कुरान है कि जिस कुरान ने बाजी कौमों को और बाजे लोगों को वो बुलंद मकाम अता फरमाया कि उनके तज़किरे, उनके तबसरे ज़मीन के ऊपर आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं और आसमानों पर रब्बुल आलमीन कर रहे हैं। ये कुरान वो अज़मत वाली शय है। हज़रत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम गुजरे जा रहे हैं,
एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ, आपके साथ आपके हवारीन हैं, आपके सहाबा इकराम हैं, आपने देखा, आप रुके, कब्र के ऊपर देखा कि कब्र को कब्र वाली कोई औरत है, बूढ़ी औरत, उसको अजाब हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ लोगो, ऐ मेरे साथ वालो, देखते हो कि इस बुढ़िया को अजाब हो रहा है। वो ऐसे लोग नहीं थे कि दिखाना जी दिखाना जी। उन्होंने एक बात तय कर रखी थी कि नबी हक है, कुरान हक है, और हक के साथ जब हम चल रहे हैं तो फिर चू चरा नहीं करता आदमी। आज कहता है कि जी इसमें क्या शक है, इसमें क्या दिक्कत है। अभी कई रोज पहले एक साहब ये कह रहे थे, एक बच्चा कह रहा था, ऐसी कोई बात हो रही थी बैठकर, कहने लगे जी ये बात तो ठीक है कि सूद ले देना और लेना हराम है, लेकिन एक बात बताओ, मुझे ज़रूरत है और मैं सूद ले रहा हूँ तो मुझे गुनाह क्यों मिलेगा। तो फिर तू ले भाई, जब तेरे अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि तुझे यही नहीं पता कि गुनाह क्या चीज़ है। कह रहा जी इसमें क्या हर्ज है, मुझे ज़रूरत है मैंने ले लिया, मुझे ज़रूरत है मैंने किस काम के लिए लिया। कहने लगे जी वो फैक्ट्री में घाटा हो गया, किसने कहा था तुझे अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाने के लिए, किसने कहा था कि जब तेरी गुंजाइश 1 लाख की थी तूने 10 लाख का काम किया क्यों था, सूद का नंबर आया क्यों है, तूने खाने के लिए सूद थोड़ा ही ना लिया है कि तू भूखा मर रहा है, तूने किसी से 100 रुपए ले लिए, जान बचाने के लिए ले सकता है, लेकिन तू इतने बड़े ये काम कर रहा है, तुझे कहा किसने, शरीयत इसकी इजाजत तो नहीं देती तुझे, क्योंकि जब तू चादर से ज़्यादा पैर फैलाएगा तो फिर तेरे साथ यही मामला होगा, फिर तुझे दीन ना समझ में आएगा, ना तुझे दुनिया मिलेगी ना दीन मिलेगा। लेकिन उन सहाबा इकराम को यही पता था कि जो अहकाम इलाहिया हमारे कानों में पड़ते हैं और जो हमारे नबी हमें बताते हैं, बस वो उस पर लब्बैक कहकर हमेशा उस पर अटल रहते थे, वो हिलते ना थे उससे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कब्र वाली बुढ़िया को अजाब हो रहा है, और ये कहकर चल दिए। चंद दिनों के बाद दोबारा से फिर आना हुआ और देखा कि उसी कब्र के ऊपर फिर बड़े हशास और बशास अंदर महल तैयार हुए हुए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रुके और अपने हवारी इनसे कहा कि अजीब मामला, इतने दिनों में अल्लाह की रहमतों का ऐसा मामला मैंने इससे पहले कभी ना देखा। हवारी ने पूछा कि या नबी अल्लाह ऐसा क्या मामला देखा, फरमाया कि मैंने चंद दिन पहले जो आपको बताया कि इसको अजाब हो रहा है, आज मैंने देखा अल्लाह ने इसके लिए महल तैयार कर रखे हैं। या नबी ऐसा क्या मामला हो गया, क्योंकि दुनिया से जाने के बाद आदमी के अमल तो सारे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद तो वो नमाज भी नहीं पढ़ सकता, वो तौबा भी नहीं कर सकता। इलाहुल आलमीन से पूछिए कि इलाहुल आलमीन अगर हम मर जाएं, हमारे ऊपर नमाजें हमारे जिम्मे हो और हमने तौबा ना की, हमारे साथ क्या मामला करेंगे, हमें कब्र में बख्शेंगे? नहीं, जब तक के तुम खुद माफ ना करा लो, जब तक के तुम खुद माफी ना मांग लो अल्लाह से, जब तक माफ क्या होगा, नहीं होने का। मरने के बाद क्या है, तौबा तो हो नहीं सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह से बात की कि इलाहुल आलमीन माजरा क्या है, चंद दिन पहले इस कब्र वाली औरत को, बूढ़ी औरत को अजाब हो रहा है और आज इसकी कब्र महल की तरह सज रही है और इसके अंदर सारे खाने के सामान रखे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे पैगंबर, मेरे महबूब, इसके पोते ने जब इसके मरने के बाद, जब वो इतना बड़ा हुआ, जब वो मदरसे में पहुँचा, मकतब में पहुँचा, पहली मरतबा जब नन्नी जबान से, तुतलाहट वाली जबान से पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अहकमुल आकमीन को गैरत आई, मैंने इसकी दादी को इसलिए माफ़ कर दिया क्योंकि इसने मरने से पहले ये कहा था कि मेरा बच्चा जब ये बड़ा हो जाए इसको कुरान करीम की तिलावत करा देना, इसको कुरान का हाफिज बना देना। ये कुरान ऐसी अजमत वाली चीज़ है, लेकिन किसके लिए, समझने वालों के लिए, वरना तो फिर गुमराही से आगे रास्ता फिर कुछ भी नहीं बचता। وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا। قرآن مقدس سے پوچھئے کہ جن کو
کیونکہ دلوں میں قرآن کی عظمت تھی جو قرآن والے تھے ان کا کیا مقام تھا وہ کیسے اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مکہ سے لٹ کر سب کچھ دے کر اپنے گھروں کو تباہ برباد کرا کر لٹا کر جب مدینے میں آئے ایک سال گزرا تھا ایک جنگ ہو گئی اس جنگ میں 12 قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیے مشرکین مکہ تھے بڑے بڑے مکے کے سردار تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے گرفتار کر لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لا کر اعلان کرتے ہیں کوئی ہے آج میرے ان مہمانوں کو کھانا کھلائے کس کو مشرکین کو کہہ رہے ہیں پیارے نبی کوئی ہے کہ آج ان مہمانوں کو کھانا کھلائے اللہ اکبر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہوں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جا کر اپنے گھر میں پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے گھر میں کھانا کتنا موجود بیوی کہنے لگی صرف تیرے لیے اور میرے لیے فرمایا کوئی بات نہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان ساتھ لے کر آیا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں مشرک لے کر آیا ہوں یہ نہیں کہا میں قیدی لے کر آیا ہوں میں تو محمد الرسول اللہ کا ایک مہمان لے کر آیا ہوں اور آنے کے بعد میں کہنے لگے کہ آپ ایک کام کرو اس کو ان کو کھانا کھلانے کی تیاری کرو جیسے ہی کھانا کھانے لگے تو وہ مشرک جو تھے وہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھ رکھا تھا وہ جو قیدی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ صحابی رسول کہتا ہے نہیں تم کھانا کھاؤ کیونکہ ہمارے گھر میں کھانا ہی اتنا ہے ایک کام کرو تم کھانا کھاؤ میں تمہارے ساتھ صرف پتے چبا لیتا ہوں کیا چبا لیتا ہوں پتے چبا لیتا ہوں کہنے لگا بھائی ایسا کیوں بولے بھائی تم رئیس آدمی ہو سردار آدمی ہو مالدار آدمی ہو اگر میں پتے چباؤں گا ہماری تو عادت ہے ہم تو گٹھلیوں پہ گزارا کرنے والے ہیں ہم تو فاقوں سے رہنے والے ہیں ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن تم تو مالدار آدمی ہو تمہیں کیا پتا کلمے میں مزہ کتنا ہے تمہیں کیا پتا کہ کلمے سے پیٹ کیسے بھرتا ہے آج بھی ایسے ولی ایسے بزرگ ایسے اللہ والے موجود ہیں جو دکھاوے کے لیے تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں اللہ ان کا پیٹ خود اپنے کلام سے بھر دیتے ہیں بہت سارے ملیں گے آپ کو الحمدللہ ہے نا ہاں ماشاءاللہ تو ایسی زمین آج زمین پر ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جن کو اللہ کے کلام سے اللہ کے کلمے سے اللہ کے نام سے جن کا پیٹ بھر جایا کرتا ہے دوسرا وقت آ گیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھانا لے کر حاضر ہو گئے کہ کھانا کھا لیجئے مشرک پھر پوچھتا ہے کہ کھانا تم بھی کھاؤ کہنے لگا نہیں کھانا کم ہے تم ہی کھاؤ ہم تو صرف پتے کھا کر گزارا کر لیں گے تین وقت ہو گئے جب تیسرا وقت آیا یہی بات دوبارہ تیبارہ سے پھر دوہرا دی صحابی رسول نے اب کہتا کیا ہے مشرک اب ایک بات تو بتاؤ اے اللہ کے بندو او محمد الرسول اللہ کے غلاموں ایک بات تو بتاؤ ایسا کب تک کر سکتے ہو کہنے لگے کہ ہم جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم جب تک اپنے مہمانوں کا اکرام اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں اب کہتا کیا ہے مشرک ابے ایک بات بھائی میری بھی سن لو میری بات اب میری بھی ایک بات سن لو تین وقت ہو گئے تمہاری بات مانتے آج کھانا اس وقت کھاؤں گا جب مجھے تم پہلے کلمہ پڑھاؤ گے اس کے بعد پھر میں کھانا کھاؤں گا تین وقت گزرے دو وقت گزرنے کے بعد ایک مشرک کو کلمہ پڑھایا کس نے ان قرآن والوں نے آج میری اور آپ کی زندگی کے کتنے سال گزر گئے کسی کو کلمہ پڑھانے کی نوبت آئی کیونکہ میرے اور آپ کے اخلاق ہی وہ نہیں ہیں میرے اور آپ کے اخلاق وہ ہے ہی نہیں ہمارا وہ کردار ہی نہیں دوسرے صحابی کا واقعہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کوئی ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر لے کر جاتا ہوں وہ اپنے گھر لے کر جاتے ہیں اور بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں کھانا کتنا موجود کہنے لگی تیرے لیے میرے لیے اور بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ننے دو بچے تھے فرمایا تو کوئی بات نہیں ایک کام کرو ہمارے ساتھ میں ایک مہمان آیا ہے اور اللہ کے رسول کے یہاں سے وہ مہمان لے کر آیا ہوں بیوی سمجھدار تھی عقل مند تھی قرآن والی تھی کہنے لگی کوئی بات نہیں
ले आओ अंदर। अब जब एक दस्तूर था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दीनी घरानों में दस्तूर है कि दस्तरखान बिछाकर खाना खाया जाता है। मेहमान आए चाहे घर के लोग खाएं, दस्तरखान पर खाते हैं। लेकिन जहां दीनदारी कम हो जाती है वहां पर थालियें बन जाती हैं, वहां अलग अलग प्लेटें बन जाती हैं। एक उस कोने पे कुत्ते की तरह चाट रहा है, एक उस कोने पे कुत्ते की तरह चाट रहा है। वरना तो सुन्नत तो यह है कि दस्तरखान पर बैठकर खाया जाए। ये कुत्तों की खसलत है, ये हड्डी डालिए देखे कहाँ कहाँ खड़ा होते हैं, दाएँ बाएँ खड़ा होगा। तो ये कुत्तों की खसलत है, इंसानों की खसलत यह है कि एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाया जाए। कोई मजबूरी है तो बात अलग है, अब तो स्टैंडर्ड यह है कि खड़े होकर खाना खाया जाए, जानवरों की तरह, जैसे भैंस खाती है, जैसे कुत्ता घोड़ा खाता है। अब इंसानों वाली सिफत रह कहाँ गई है? प्लेट हाथ में हो और खड़ा हुआ आदमी हो, कहने लगे साहब ये यही तहजीब है आज की डेट में, इसी को तहजीब कहते हैं। वरना तो माशरे वाले क्या कहेंगे कि कितना खराब आदमी, इसने अपने ही पैसे बचा लिए कुर्सियों के, ये नहीं देख रहा कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक सुन्नत को किस तरीके से कत्ल कर रहा है। तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पूछा अहलिया से, अपनी बीवी से, कि खाना कितना मौजूद? कहने लगी मुख्तसर सा खाना। तो कहने लगे कोई बात नहीं। उस मेहमान को अंदर बिठाया और कहने लगे अपनी अहलिया से कि जब हम खाना खाना शुरू करें, दस्तरखान बिछा चुके हों और जब खाने का निवाला तोड़ें, तो किसी तरकीब से इस दीवे को बुझा देना। पहले ये नहीं थे जो कुमकुमे लगे हुए हैं ना, स्विच दबाने वाला, पहले तो फूंक मार कर काम चल जाता था। पंखा तेज कर दो तो क्या होता था, दिया बुझ जाया करता था। तो वो कुमकुमा जो था, वो जो दिया था, उसके बारे में सहाबी रसूल कहता है कि जब हम खाना शुरू करें तो फौरन तुम एक तरकीब से इस दिए को बुझा देना। क्यों? क्योंकि सहाबी को ये पता, उस मेहमान को ये पता ना चले कि ये भी खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा, क्योंकि खाना इतना मुख्तसर है कि अगर दोनों खाएंगे तो पेट हो सकता है मेहमान का ना भरे। ये मंजर कितना अजीब मंजर है, अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाओ और ख़ुद भूखा रहो, उस वक्त आपको एहसास होगा कि वाकई में भूख क्या चीज़ है। लेकिन अब तो इतना सारा ढेर सारा, मैं एक दिन शादी में गया तो खाना जितना खाने में मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह, उतना ही टबों के अंदर वैसे मौजूद था जो प्लेटों में से। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे हबशी लोग भी जाते हैं ना शादियों में कि एक बार ही दो दो किलो मुर्गा भर लिया, दो दो किलो चावल भर लिए और उसके ऊपर आधी आधी किलो डाल ली, क्यों दाल डाल ली, पनीर डाल लिया, क्योंकि दोबारा फिर हो सकता ना मिले। या यूँ समझ लो कि किसी का बेड़ा गर्क करना है, किसी का सत्यानाश भी तो बिठाना है, है वो फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा खाया और सीधा उड़ेल दिया। वो याद रखें कि जो खाना इस तरीके से ज़ाया करता है, कुरान का अहकाम ये है कि अल्लाह तबारक व ताला उसकी आखिरी उम्र में उसको एक एक निवाले से, एक एक दाने से तरसा कर मारेंगे, एक एक दाने से तरसा कर मारेंगे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के हिस्से का खाना वो पहले ज़ाया कर चुका है, फेंक चुका है, तबाह कर चुका है। तो कुरान करीम में ऐसे लोगों का किस अंदाज से तज़किरा अल्लाह ने फरमाया कि जब वो सहाबी दिया बुझा लेते हैं और वो मेहमान खाना खा लेता है, अब वो खाने से फारिग हो गया, रात को उसी घर में लेट गया, सुबह को देखिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, जिब्राइल अमी आते हैं और वही लाते हैं, कुरान करीम की आयत बन जाती है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरी जमात के लोग कैसे अजीब लोग हैं। ये रसूलुल्लाह ने उनको समझाया नहीं था, ये रसूलुल्लाह ने उनको दर्स नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कुरान करीम को अपने दिलों में ऐसा उतार लिया था कि हमें किस तरीके से कुरान के अहकाम को पूरा करना है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये कैसे लोग हैं आपकी जमात में, ये आपसे मोहब्बत करने वाले कैसे लोग हैं, इनके दिल कितने नरम हैं, इनके दिल कितने अच्छे हैं कि ये खुद भूखे रहते हैं और भूखा भी इस तरीके से रहते हैं कि मेहमान को पता ना चले, और ये अपना दिया भी बुझा लेते हैं जिससे कि उसको कहीं कोई रंज ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो अपना हाथ ना खींच ले। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ऐ मेरे मोहम्मद, अब याद रखिए, इन्होंने वो कारनामे कर दिए हैं, इन्होंने वो काम किए हैं कि मैं आकमुल आकिमीन ऐलान करता हूँ कि मैंने इन सब के ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया।
अल्लाह तबारक व तआला मुझे कुरान मुकद्दस की आयात पर आपको भी अमल पैरा होने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला नमाजों का पाबंद बनाए और सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और बिदआत से दूर रहने वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।